क्या आप जानते हैं कि मुंह के कैंसर से बचाव संभव है या इसे शुरुआत में ही पता लगाकर हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। घर पर ही रहकर अगर आप ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन करें या मुंह की स्वयं द्वारा जांच करें तो यह 100% संभव है। मुंह की स्वयं द्वारा जांच कैसे करना है यह बताना चाहता हूं। आइए, इसके लिए आपको चाहिए अच्छी लाइट, साफ हाथ और एक कांच। ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। गले पर कोई भी गठान या मुंह के अंदर कोई भी गठान या उठा हुआ हिस्सा, कोई भी लाल या सफेद दाग, कोई भी छाला या घाव जो काफी लंबे समय से भरा नहीं हो, या कुछ भी ऐसा जो असामान्य हो। इस टेस्ट को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ को गर्दन पर फेरिए और कोई भी गठान तो नहीं या गर्दन के दोनों भागों में कोई असामान्यता तो नहीं यह निश्चित कीजिए। इसके बाद अपने हाथ की उंगलियों को मुंह में डालिए और देखिए कि आपका मुंह कितना खुल पा रहा है। सामान्य परिस्थिति में 3 या 4 उंगली मुंह खुलना चाहिए। अगर इससे कम है तो यह चिंता का विषय है और इसका कारण ढूंढना चाहिए। अपने हाथ की उंगलियों से ऊपर और नीचे वाले होंठ के अंदर के हिस्सों को देखिए और स्पर्श कीजिए और पहले दर्शाई गई बातों का ध्यान दीजिए। इसी तरह दोनों गालों के भीतर वाले हिस्सों की जांच कीजिए। अपनी उंगली को ऊपर और नीचे के दांतों पर फेरिए और निश्चित कीजिए कि कोई भी दांत हिलता तो नहीं। अपनी जबान को मुंह के अंदर के हिस्सों पर फेरिए और यही चीज आपको कुछ भी छाला या घाव पता लगाने में मदद कर सकती है। अपनी जबान को बाहर निकालिए और देखिए कि जबान के ऊपर और दाएं और बाएं तरफ कोई छाला या घाव तो नहीं। उसी तरह अपनी जबान को ऊपर उठाइए और जबान के नीचे वाले हिस्से और मुंह के फ्लोर की जांच कीजिए। फिर अपने चेहरे को ऊपर उठाकर मुंह के ऊपर वाले हिस्से या तालू की जांच कीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ भी असामान्य लगे या लंबे समय से कोई छाला या घाव ठीक नहीं हुआ हो तो अपने निकटतम फैमिली डॉक्टर या ENT सर्जन या डेंटल सर्जन या कैंसर सर्जन से परामर्श कीजिए। ओरल कैंसर इज अ कैंसर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ज्यादातर गाइडलाइंस जो हम फॉलो करते हैं वो वेस्ट से आती हैं। पर चूंकि वहां तंबाकू चबाने का इतना प्रचलन नहीं है, इसी कारण ओरल कैंसर की तादाद भी वहां बहुत कम है और ऐसी कोई गाइडलाइंस बाहर नहीं आ पाई। भारत में पुरुषों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है। ग्लोबाकॉन 2018 के सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान में हर साल करीब 125,000 नए मुंह के मरीज पाए जाते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग 3rd और 4th स्टेज में हॉस्पिटल में परामर्श के लिए आते हैं। अगर हम यही ओरल कैविटी सेल्फ एग्जामिनेशन या मुंह की स्वयं द्वारा जांच घर पर ही रहकर केवल 1 मिनट दें और महीने में केवल 1 बार करें तो यही कैंसर्स को हम बनने के पहले ही या बहुत ही शुरुआती स्टेज में पता लगाकर उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। लेट्स गिव कैंसर अ फाइट टुगेदर।